Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कोरोना काल में बिजली के बढ़े हुए बिल से परेशान ग्रामीण जनों ने चंदूखेड़ी चौपाटी पर उज्जैन बदनावर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। ग्राम सिलौदा रावल के सरपंच अशोक जाट के नेतृत्व में आज दोपहर करीब 12 बजे से चंदूखेड़ी चौपाटी पर चक्का जाम किया गया, जिसमें जनता के साथ सरपंच जाट ने भी शासन और प्रशासन से मांग की है कि एक तरफ तो कोरोना काल चल रहा है जिसके कारण गरीबों को रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है, तो वहीं बिजली विभाग द्वारा मनमाने बिल दिए जा रहे हैं जिससे उनकी कमर टूट रही है। तहलकंडिया न्यूज़ के लिए महेश सोनगिरा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किताब निभाई है। कहाँ रहते हो? मैं बल्डे पर रहती हूँ। क्या समस्या है यहाँ की? हम बिजली के बिल के परेशानी हो रही सर। क्या परेशानी है? बिल बहुत हमें रहा है, मेरा बढ़ के आया 3 महीने का 4,200 आए मेरे। ये लॉकडाउन में जो सरकार ने मदद करने की बात करी थी वो इस प्रकार से इनको परेशान ना हमारे पास। क्या नाम है आपका? अशोक जाट। ये किस संबंध में आंदोलन किया आज आपने? ये विद्युत मंडल को लेकर है। पिछली बार भी हम आए थे, जब हमने साहब से बात करी थी तो उन्होंने बोला था निराकरण हो जाएगा, जबकि लॉकडाउन में इन्होंने बिल माफ करने की बात कही थी सरकार ने। माफ करना तो दूर की बात, जो 100 रुपये बिल आ रहा था वो 300, 400 और 500 रुपये बिल दे दिए इन्होंने, और अब इस बार में तो इन्होंने 2,000, 4,000, 5,000 के बिल आ रहे हैं सबके, और बात करने के लिए कोई अधिकारियां तैयार नहीं है। बोले इसी प्रकार के बिल आएंगे आपके, भरना है और भरना पड़ेंगे, नहीं भरोगे तो घर से गाड़ियां उठा लाएंगे आपकी। और जमा किए तो और जमा जो बिल जो पिछली बार कहीं लोगों ने जमा कर दिए बिल, वो बिल भी इन्होंने वापस डबल यहाँ दे दिए, वो काट लिए बिल और वापस रिटर्न पिछला बकाया करके दे दिए। किसी का भी बिल, किसी का 2,000, किसी का 3,000, किसी का 5,000, किसी का तो 10,000 रुपये बिल दे दिया इन्होंने। और इसमें से 100-500 रुपये कम करते हैं, क्या निराकरण करेंगे ये? कहीं किसान ऐसे बिल लेके भटकते हैं तो इनकी कोई बात ही सुनने के तैयार नहीं। बिल भर दिया था इनका, पूरा क्लियर बिल करके गए, इस बार पिछला बाकी बता दिया इन्होंने कि 800 रुपये बाकी है। क्या करें बताओ, किसके पास जाए हम? 800 लाइट तो लाइट बंद ही रखते हैं, लाइट अभी करीबन चंदूखेड़ी ग्रिड की हालत है कि यहाँ पे 50 से 24 घंटे में से करीबन 50 बार लाइट जाती है। जन्माष्टमी के दिन इन्होंने लाइट रो रात को 12 बजे तक बंद रखी इन लोगों ने, उसका जवाबदार कौन है? उसकी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कितने गाँव के लोगों ने आंदोलन किया? करीबन यहाँ के 8-10 गाँव के लोग हैं आसपास के चंदूखेड़ी, 10-12 गाँव के लोग हैं हम, और यहाँ पर लाइट भी नहीं आती गाँव में हमेशा, करीबन लाइट दिन में कई जब आधे घंटा एक घंटा लाइट कटती है। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांगे इनका निराकरण कर दे, इनके बिलों का निराकरण कर दे, और इनका जो भी है बिल आ रहा हो बिल कम कर दे बस। सर क्या नाम है सर आपका? सर ये जो आंदोलन हो रहा है इस संबंध में क्या कहना है आपका? आंदोलन के बारे में तो मतलब जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है यहाँ बिजली के बिल जो ज़्यादा आए हैं उसको लेके लोग इकट्ठा हुए हैं, तो इसमें जो पिछली बार का जो बिलिंग साइकिल था उसकी वजह से जो रीडिंग का जो भी इशू है, जो भी बिलों में जो सिस्टम की सॉफ्टवेयर की वजह से जो भी दिक्कतें हुई हैं उनको हम कार्यालय के स्तर पे बिलों का निराकरण करके लोगों को नए विधेयक जारी करेंगे। ये जो जिनके ज़्यादा बिल आ रहे हैं, जिनके एवरेज बिल 100 रुपये थे उनके भी 300 से 500 या इससे भी ज़्यादा आ रहे हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे? एवरेज बिल क्या है कि अभी पिछला जो मौसम था ये गर्मी का मौसम था, अप्रैल मई जून लॉकडाउन में लीडिंग हुई नहीं थी, तो जिसके कारण कुछ लोगों के एवरेज बिल बढ़े हैं, उसको भी हम लोड के आधार पर रिवाइज करेंगे, और मीटरिंग का भी हम कार्य यथाशीघ्र हर घर में मीटर लगाने का भी कार्य करेंगे ताकि जो जितना जलाए उसका उतने के हिसाब से बिल आए, ये भी हम इसका पूरा प्रयास।